السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. آج کے اس انتہائی مبارک پروگرام کے صدر محترم حضرات علماء کرام دینی بھائیوں بزرگوں دوستوں اور عزیز طلبہ کرام اور پردہ کے اندر بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں, وقت بہت کم ہے, تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں ہے, اس لیے بغیر کسی تاخیر کے جس موضوع اور ٹاپک پر کچھ باتیں مجھے بولنے کی اجازت یا حکم دیا گیا ہے, میں آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کر دوں. سب سے پہلے تو آج کے اس مبارک پروگرام میں جن علماء کرام نے سند فراغت حاصل کی, بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھا, ان کو اسی طریقے سے ان عزیز طلبہ کو جنہوں نے پورے قرآن کریم کو اپنے سینے میں اللہ کے فضل سے محفوظ کیا, میں ان سب کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں اور سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا دائمی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کے علم کو علم نافع بنائے. میرے بھائیوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی, آپ کہتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال. اے اللہ, آپ نے مجھ کو جو علم دیا اس علم سے آپ مجھ کو نفع بھی پہنچائیے اور جو علم مجھ کو نفع دے اے اللہ وہی علم آپ مجھ کو سکھائیے. پھر کہتے تھے وزدنی علما, اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجئے, یعنی زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا کیجئے. والحمدللہ علی کل حال, اے اللہ ہر حالت میں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تقسیم اس اعتبار سے نہیں کیا کہ یہ علم شریعت ہے, یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیا ہے.
इल्म की ये तकसीम कुरान और हदीस से साबित नहीं है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं, मदरसों में पढ़ने वाले दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं, ये तकसीम मंसूस नहीं है। बल्कि जो तकसीम है वो इस रिवायत में और इसके अलावा हदीस के अंदर दूसरी रिवायतों से जो मालूम होता है वो है कि इल्म दो तरह के हैं, एक है इल्मे नाफे और एक है इल्मे गैर नाफे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ अल्लाह वो इल्म मुझको नहीं चाहिए जो इल्म मुझको नफा ना दे। चुनांच एक तालिबे इल्म अगर 14 साल तक वो मदरसे में पढ़ता है वो आलिम बनता है, लेकिन आलिम बनने का मकसद क्या है? आलिम बनने का मकसद है लियुमारिया बिहि सुफहा, ताकि जाहिलों के सामने, बेवकूफ लोगों के सामने, अनपढ़ लोगों के सामने अपने इल्म का सिक्का जमाए, धाक जमाए और उनके पास जाकर इल्मी बहस छेड़कर उनको परेशान करे, उनसे झगड़ा करे। और लियुबाहिया बिहिल उलमा या उलमा पर फख्र करे। अब मिसाल के तौर पे पुराने जमाने का कोई आलिम आज के तलबा से या आज फारिग होने वाले उलमा से आकर ये कहे कि कंजुद्दकाइक के अंदर एक इबारत है मसअलतुल बीर जोहतुन, जरा इसको समझा दो। बेचारे लोगों ने कंजुद्दकाइक नहीं पढ़ा था, इस मसले की वजाहत नहीं की, तो वो कहने लगे कि भाई तुम्हारी कोई सलाहियत नहीं, तुमने चौपट इल्म हासिल किया, देखो मेरी सलाहियत और मेरा इल्म कितना मजबूत है। फख्र हासिल करने के लिए, अपनी बड़ाई को जाहिर करने के लिए इल्म हासिल करे। हदीस का तीसरा जुमला है इल्म हासिल करे इस मकसद से ताकि लोगों के चेहरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, लियसरीफ बिही वुजूहन नास, ताकि लोगों के चेहरे को, यानी ऐ लोगों मुझको बड़ा मानो, मेरे पीछे चलो और मेरी क़यादत में तुम लोग रहो, मेरी ही बातों पर अमल करो। इस नीयत से अगर 14 नहीं 14,000 साल अल्लाह उम्र दे दे और वो मदरसे में इल्म हासिल करे, कुरान हदीस और फिका का इल्म हासिल करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहुवा फिन्नार, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। और एक है जो बिल्कुल असरी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाकर पढ़ता है, लेकिन उसका मकसद यह है कि मैं इंजीनियर इसलिए बन रहा हूं ताकि मैं बेहतरीन तरीके से मसाजिद का डिजाइनिंग कर सकूं, मदरसा बनाने वाले अपने मदरसे का काम मुझसे कराएंगे, मैं फ्री करूंगा, मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूं ताकि मैं गरीबों का इलाज मुफ्त करूंगा। मेरे भाइयों, उसका ये इल्म हो सकता है कि हम और आप दुनियावी इल्म इसको कह दें, लेकिन उसका ये इल्म जन्नत में ले जाने वाला इल्म, जन्नत में पहुंचाने वाला इल्म है। यही वजह है एक मरतबा शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने तलबा को मंतिक की किताब पढ़ा रहे थे। मंतिक की किताब का हाल यह है कि आम तौर पे हमारे और आपके दरमियान ये मशहूर है, लोग कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए कि यजूजुल इस्तिंजा उबी औराकिल मंतिक, मंतिक के कागज से, मंतिक की किताब से इस्तिंजा भी करना जायज है, ये नहीं कहना चाहिए, बेअदबी है, गुस्ताखी है, गलत बात है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस फन की बदाहिर कोई अहमियत हम और आप नहीं देते, वही फन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे, और उसी वक्त एक देहाती आदमी आया, आकर कहा मौलाना साहब अजीमुल्ला जी, वहां की जबान में अजीमुल्ला जी, मेरे ताऊ का इंतकाल हो गया, आप जरा ईसाले सवाब के लिए दुआ फरमा दो, आप जरा दुआए मगफिरत कर दो। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौजूद तलबाए किराम से कहा
कि भाई हम लोग तो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, चलो इस किताब की, अभी इस किताब का सबक हुआ, हाथ दुआ के लिए उठा लेते हैं और ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मैंने जो सबक पढ़ाया, हालांकि मंतिक की किताब पढ़ा रहे थे, ऐ अल्लाह मैंने जो सबक पढ़ाया इसका जो सवाब है खास करके इस देहाती के रिश्तेदार को पहुंचा दीजिए और आज के इस सबक के वसीले से इनकी मगफिरत कर दीजिए। तलबे किराम ने कहा कि हजरत दुआए मगफिरत तो हदीस का दर्स या कुरान के दर्स के बाद की जाती है, मंतिक की किताब पढ़ाकर आप दुआए मगफिरत और इसाले सवाब की दुआ कर रहे हैं। हजरत ने फरमाया कि जिस तरह से कुरान ये दीन है, जिस तरह से हदीस ये दीन है, इसी तरीके से मंतिक और फलसफा अगर कोई अच्छी नीयत से पढ़े और इसलिए पढ़े ताकि मैं इन किताबों के जरिए से, इन किताबों के वास्ते से हदीस को समझ सकूं, कुरान के अंदर गहराई और गहराई हासिल कर सकूं, अगर इस नीयत से कोई मंतिक की किताब पढ़ता है तो ये भी सराफा दीन है। मेरे अजीज दोस्तों हजरात उलमाए किराम, ये जो उलूम है, कुरान के उलूम, अहादीस के उलूम, ये कहाँ सिखाए जाते हैं? ये इस तरह के टूटे फूटे मदरसों में पढ़ाए और सिखाए जाते हैं। मैं आप हजरात को वाकईतन दिल से बार बार मुबारकबादी पेश करता हूं कि मरकजुल उलूम देवबंद, सहारनपुर या वो इलाके मगरबी यूपी, मशरकी यूपी, उन इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर आप हजरात यहाँ दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मदरसों की शक्ल में, मकातिब की शक्ल में, मदरसे के साथ लगी हुई जो इमारत और घर मकान है, पता चला कि वो मकतब का घर है, इतना बड़ा मकतब, पता नहीं पूरे आसाम में कहीं इतना बड़ा मकतब है या नहीं जितना बड़ा मकतब आप हजरात के यहाँ है। तो ये जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ लाइन से आप हजरात दीन का काम कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह के यहाँ आप बड़े अजर के, बड़े सवाब के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब के तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। आप इतना बोल लेंगे या मैं पूरी तकरीर कर लूँ फिर बोलेंगे? इतना बोल लीजिए जितना बोलना था आपको, और 5 मिनट में बोल दूँ? बोल देता हूँ, क्योंकि मौलाना को तर्जमा करना के लिए हजरत तशरीफ रखें इसलिए मैंने पूछा। आखिरी बात कहकर, वक्त बहुत कम है, मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ। मेरे भाइयों, जिन मदरसों में हम और आप पढ़ते पढ़ाते हैं, याद रखिए ये मदरसे, ये मकातिब और ये मसाजिद जहाँ कुरान की तालीम का भी नज़्म है, और अगर नहीं है तो भी, ये सारे के सारे इदारे हमारे और आपके लिए रूहानी ग़िज़ा फराहम करने वाले इदारे हैं। हमारा ईमान और हमारा इस्लाम बज़ाहिर मैं डंके की चोट कह सकता हूँ, उस वक्त तक कोई छीन नहीं सकता, कोई हमारे इस्लाम पर, ईमान पर डाका नहीं डाल सकता, जब तक हमारे इलाकों में, हमारे गांव समाज के अंदर इस तरह से मदारिस महफूज रहेंगे। स्पेन के अंदर तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, वहां का सिक्का पूरी दुनिया में चलता था, तामीरात के मैदान में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्पेन के मुसलमानों को पूरी दुनिया के लोग अपना हीरो समझते थे। उन लोगों ने हर मैदान में तरक्की की, लेकिन उन्होंने मदारिस का और मसाजिद का, मकातिब का उतना ख्याल और ध्यान नहीं दिया, मदरसे बनाने में उन्होंने फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया, उन्होंने मदरसे नहीं बनाए। चुनांच जब उस मुल्क से मुसलमानों को भगाया गया और गाजर मूली की तरह उनको काटा गया, शहीद किया गया, कुछ लोग रह गए, वो सब के सब बेदीन हो गए, मुर्तद हो गए, ईसाई और क्रिश्चियन के घरों में जाकर वो खुद सब के सब क्रिश्चियन बन गए। इसके बरखिलाफ राशिया ने उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो इमाम बुखारी, इमाम तिर्मिदी रहिमहुमल्लाह और दिगर मुहद्दिसीन किराम
बड़े बड़े फुकहा का जो इलाका है मावरा उन नहर हिदाया के अंदर, शरवकाया के अंदर, फिका की दूसरी किताबों में मावरा उन नहर का लफ्ज बार बार आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे। ये सारा का सारा इलाका राशिया के कंट्रोल में आया और राशिया की हुकूमत का जो सिस्टम था वो सब के सब कम्युनिस्ट थे, आज भी है। और कम्युनिस्टों के यहां कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। मुसलमानों के घरों के अंदर कुरान रखने पर पाबंदी थी, दाढ़ी रखने पर पाबंदी, टोपी पहनने पर पाबंदी। लेकिन 80 के दहाई में जब मुल्क आजाद हुआ और वहां से एक टीम मरकज निजामुद्दीन तशरीफ लाती है, वहां के मुफ्तीए ममलका सबसे बड़े मुफ्ती साहब भी साथ में है, एक नौजवान बहुत ही खूबसूरत लड़का वो भी साथ में है, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि वो खूबसूरत नौजवान लड़का बड़ी अच्छी आवाज में कुरान की तिलावत करता था। हजरत मुफ्ती साहब से पूछा कि हजरत आपके यहां कुरान पर पाबंदी थी, ये खूबसूरत 20 साल का बच्चा इतना अच्छा कुरान कैसे पढ़ लेता है? हजरत मुफ्ती साहब ने बहुत सारे वजूहात बतलाए, उनमें से एक बात ये बतलाई कि हमने जब ये देखा कि हमारा मुल्क गुलाम हो चुका है, हम सारे के सारे लोग गुलाम हो चुके हैं, लेकिन इस्लाम और मुसलमान ईमान ये तो कयामत तक के लिए अल्लाह ने भेजा, इस्लाम को जिंदा रखना था। हम लोग आपस में मिलजुल कर बैठे, हमने कई मंसूबे बनाए, उनमें से एक मंसूबा ये था कि रोजाना सुबह के वक्त एक चारपाई जिस पर मैयत को रखा जाता है, लाश को रखा जाता है, वो चारपाई हम लोग लेकर और कब्र के कब्रिस्तान के बहाने जंगल में चले जाते थे कि हमारे आबादी का एक शख्स इंतकाल कर गया है, इसको जंगल में जाकर दफन करना है। जंगल के चारों तरफ पहरादार बैठाते थे और वहां पर एक कब्र नुमा गड्ढा खोदकर पुराने जमाने का एक हाफिज जो बज़ाहिर बेरीश होता था, दाढ़ी नहीं होती थी, कुर्ता पाजामा नहीं होता था, टाई लगाया हुआ पैंट शर्ट पहना हुआ होता था, पुराने जमाने का हाफिज था, कब्र में उतरता, दो चार छोटे छोटे 8 साल 10 साल के बच्चों को कब्र में उतारा जाता था और कब्र में उतार कर कुरान करीम की उन्होंने तालीम दी, बच्चों के अंदर कुरान की तालीम का रिवाज दिया। एक साहब थे बेहतरीन हाफिज थे, जब हुकूमत ने सख्ती की उन्होंने एक ट्रैक्टर ले लिया, रात दिन वो ट्रैक्टर चलाते थे, हुकूमत का काम करते थे, पैसे कमाते थे। लोग ये कहते थे कि ये तो हुकूमत का चापलूस बन गया, हुकूमत का ये गुलाम बन गया, न टोपी है, न दाढ़ी है, न कुर्ता है, न पाजामा है। दिन रात वो ट्रैक्टर चलाते थे, रात के वक्त 10 बजे रात में जब अपने घर में लौट कर आते थे तो मोहल्ले के दो चार बच्चों को बुलाते और उन बच्चों को बगैर कुरान देखे हुए, क्योंकि कुरान रखने की इजाजत नहीं थी, बगैर कुरान देखे हुए उन सबको कुरान की तालीम देते थे। ये मुल्क जब आजाद हुआ पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातहुम तशरीफ ले गए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने फरमाया कि एक बच्चा सामने आया, मैंने कहा बेटा कुरान पढ़ना जानते हो? कहा जी हाँ मैं जानता हूँ, ये लो मेरे पॉकेट में कुरान है, तुम इस कुरान को खोल कर जहां से पढ़ना चाहते हो पढ़ो। हजरत ने फरमाया कि मैंने उसके हाथ में कुरान दिया, कुरान खोलता है लेकिन वो देख कर पढ़ नहीं सकता, कुरान बंद करता है, जबानी में जहां से पूछता हूं वहां से वो पढ़ लेता है, पूरा कुरान जबानी याद कर लिया लेकिन उनकी आंखों ने कुरान को देखना उनको नसीब नहीं हुआ। एक बूढ़ी औरत हजरत पीर जुल्फकार साहब से मिलने के लिए आई, आकर कहती है कि हजरत आपके पास कोई कुरान है? हजरत ने फरमाया कि जी हाँ मेरे पास कुरान है, ये है कुरान लो। वो बूढ़ी औरत कुरान को लेती है, कभी आंख में लगाती है, कभी चुम्मा बोसा लेती है, कभी सीने से लगाती है और वो कहती है कि तकरीबन 40 साल तक या इससे भी ज्यादा अरसा हो गया हम कुरान देख कर पढ़ा करते थे, इतने दिनों तक कुरान को देखना नसीब नहीं हुआ, अल्लाह आपका भला करे कि आप कुरान मेरी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, उसी कुरान की हिफाजत, इन्हीं अहादीस की हिफाजत के लिए हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने इस मुल्क के अंदर जहां की अक्सरियत आज भी
अगर मुसलमान है तो दीन से दूर है और अक्सरियत यहाँ गैर मुस्लिम लोग है, ऐसे दयार में ऐसे मुल्क में हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हमारे दूसरे अकाबरीन दूसरे असलाफ ने पूरे मुल्क में मदरसों का जाल बिछाया। ऐ मणिपुर के मुसलमानों, मैं कसम खाकर कहता हूँ, आप चले जाओ गल्फ कंट्री के अंदर, सऊदी के अंदर, दुबई, कतर और जहां जाना है जाकर देख कर आ जाओ, किसी मुल्क में आपको इस तरह का मदरसा नहीं मिलेगा, इस तरह का मदरसा नहीं मिलेगा। मैं अपनी आंख से शारजा गया, शारजा में जाकर देखा, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले वहां एक मदरसा था, इसी तरह से तिपाही थी, हदीस की किताबें रखी हुई थी। मैं गया जाकर देखा, दिल को सुकून मिला। 2 साल के बाद फिर मैं वहां पर पहुंचा और अपने साथी से कहा कि भाई मुझको वो मदरसा ले चलो, मदरसे का आदमी हूं, मदरसे में जाने के बाद सुकून मिलता है। खुदा की कसम उस आलिम ने बतलाया कि मौलाना साहब वो दिन गए, हुकूमत ने छापा मारा और जितनी तिपाहियां थी, हदीस की जितनी किताबें थी, सबको जब्त किया, हदीस की तालीम पर बैंड लगा दिया। अगर किसी को दीन पढ़ना है, अगर किसी को कुरान पढ़ना है, अगर किसी को हदीस पढ़ना है, किसी कॉलेज में जाकर दाखिला ले, कुल्लियतु शरिया ये एक डिपार्टमेंट में है, उसमें जाकर 1-2 साल हदीस की मुख्तसर और बाद यानी चुनीदा चैप्टर वो जाकर पढ़ ले, बुखारी शरीफ पूरी पढ़ने वाला पूरे गल्फ कंट्री के अंदर कोई नहीं मिलेगा। पूरा कुरान हिफ्ज करने वाला शायद मिल जाए, तहफीज का आज तक रिवाज है, लेकिन इस तरह से 14 साल तक 12 साल तक सिर्फ दीनियात की तालीम का निजाम हमारे और आपके मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो एशिया के ममालिक है, या आप अफ्रीका कंट्री चले जाइए, यूरोप में बाद जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने ये सिलसिला शुरू किया। मुसलमानों, इन मदारिस का लिहाज करोगे, इन मदारिस का ख्याल रखोगे, ईमान की हिफाजत होगी। इन मदारिस का ख्याल रखोगे, आपके बच्चे और बच्चियों की का ईमान महफूज रहेगा। और अगर मदरसों से हमने किनारा कशी कर लिया, मदरसों से रूगरदानी कर ली, मदरसे से अपने ताल्लुक को खत्म कर लिया, तो आज यूपी के अंदर हजरत मौलाना खलीलुर रहमान ने एक जगह बयान करते हुए फरमाया, आज से तकरीबन 2 महीना पहले, कि तकरीबन 8 लाख मुसलमान लड़कियां, 8 लाख मुसलमान लड़कियां चंद सालों के अंदर मुर्तद हो गई। वो अपने इस्लाम धर्म को छोड़कर या तो हिंदू बन गई या वो क्रिश्चियन बन गई। वहां के वाकयात आपके यहां नहीं होंगे, आपकी बच्चियां, आपके बच्चे मुर्तद नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर गारंटी है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि मदरसों का ख्याल रखिए, मदरसों का, मसाजिद का, मकातिब का ख्याल रखिए, उलमा के साथ अपने ताल्लुकात को बाकी रखिए, कोई भी पेचीदा मसला सामने आए किसी ना किसी आलिम से ताल्लुक कीजिए, इंशाअल्लाह उलमा के साथ ताल्लुक रहेगा, मदारिस पर तवज्जो देंगे, ईमान की हिफाजत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके मदरसों को ता सुबह कयामत कायम दाइम रखे, हम सबके ईमान की अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से हिफाजत का इंतजाम फरमा दे और जालिमों के जुल्म से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।